के एक लैब में तैयार किए गए मच्छरों के जरिए मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी के खात्मे की तैयारी हो रही है। अमेरिकी अरबपति बिल गेट्स ने कहा कि ब्रिटेन की बायोटेक कंपनी ऑक्सीटेक ने एक सुपर मच्छर तैयार किया है जो बीमारी फैलाने वाले मच्छरों को टक्कर दे सकता है। इनके जरिए दुनिया से मलेरिया खत्म करने की तैयारी है। बिल गेट्स की तरफ से ऑक्सीटेक को फंडिंग मिलती है। रिपोर्ट्स की माने तो मलेरिया की वजह से हर साल 6 लाख लोगों की जान जाती है। ऑक्सीटेक ने जिन मच्छरों को तैयार किया है वो सभी नर हैं। इन मच्छरों की खासियत है कि इनमें एक खास तरह का जीन मौजूद है। फीमेल मच्छरों को बहुत दिन तक जिंदा रखने से रोक सकता है। जब सुपर नर मच्छर मादा मच्छरों के साथ संबंध बनाते हैं तो जीन उनमें ट्रांसफर कर देते हैं। इससे मादा मच्छरों की जान जा सकती है। बिल गेट्स ने ये भी बताया कि इंसानों को सिर्फ मादा मच्छर ही काटती है, इनकी वजह से ही मलेरिया होता है, जबकि नर मच्छर ना तो इंसान का खून पीते हैं और ना ही मलेरिया फैलाते हैं। वो मलेरिया खत्म करने के प्लान को लेकर कहते हैं कि सुपर मच्छरों की वजह से दुनिया में नर मच्छरों की तादाद बढ़ जाएगी जबकि मादा मच्छर की संख्या कम होने लगेगी। इस तरह धीरे धीरे दुनिया से मलेरिया का खात्मा हो जाएगा। आपको बता दें कि ऑक्सीटेक की रिसर्च से मालूम चला है कि सुपर नर मच्छर एनवायरनमेंट और इंसान दोनों के लिए खतरा बिल्कुल नहीं है। बिल गेट्स ने बताया कि अभी तक दुनिया भर में 1 अरब नर मच्छरों को छोड़ा गया है। इनकी वजह से किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव यानी कि नेगेटिव इफेक्ट नहीं देखने को मिला है। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि ऑक्सीटेक ने जिन मच्छरों को तैयार किया है वो मच्छरों की तादाद को कंट्रोल करने के लिए गेम चेंजिंग है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्राजील में सुपर मच्छरों की वजह से डेंगू बुखार को खत्म करने में हेल्प मिल रही है। अगले साल इन मच्छरों को पूर्वी अफ्रीका के जिबूती में छोड़ा जाएगा जहां हाल के सालों में मलेरिया के मामले बढ़े हैं। जिबूती में मलेरिया से संक्रमित लोगों की तादाद 7% है। अफ्रीकी देश इथियोपिया, सूडान, सोमालिया, केन्या, नाइजीरिया और घाना जैसे मुल्कों की 12 करोड़ से ज्यादा की आबादी में मच्छरों को छोड़ा जाएगा। अब ये तो हम नहीं जानते कि एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल होगा, लेकिन अगर आप मलेरिया से बचना चाहते हैं तो कुछ खास बातों का ख्याल रखें। आपको बता दें कि मलेरिया के मच्छर अधिकतर शाम या रात को काटते हैं, इसलिए अगर आप शाम को बाहर निकल रहे हैं तो मॉस्किटो रेपेलेंट का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही फुल स्लीव के कपड़े पहनें। मलेरिया से बचने के लिए उन कपड़ों का उपयोग करें जो शरीर के अधिकांश हिस्से को ढक सके। घर के आसपास बारिश के पानी या गंदे पानी को जमा होने ना दें क्योंकि इसमें मलेरिया के जीवाणु पैदा होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में बुखार तेजी से बढ़ रहा है तो उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाएं। और इसके साथ ही मलेरिया रोग की संभावना को कम करने के लिए आपको एंटी मलेरियल दवा लेनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि मलेरिया से बचाव के लिए आप क्या कर रहे हैं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।